हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है, और इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी रिक्वायरमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। अगर आप फ्रेशर हैं या आपके पास में एक्सपीरियंस है तो ज़रूर इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मालूम पड़ जाए कि मैं किस चीज़ के बारे में देने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन। लगभग कई सारी कैटेगरी है, मैं आपको इसमें ए टू जेड सारी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करने से पहले अपने घर में डिस्कस ज़रूर कर लें, और वीडियो देखने के बाद में जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्कस करने के बाद में हमारे पास में कॉन्टैक्ट करें, ताकि आप बाद में जब कॉन्टैक्ट करें तो आप उसके दौरान हमारा टाइम भी ख़राब नहीं हो पाए और आपका टाइम भी ख़राब नहीं हो पाए। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, खाली वीडियो देखा और तुरंत फ़ोन लगा दिया, फिर उसके बाद में घर में मशवरा करते हैं, घर वाले मना करते हैं। तो इस चीज़ को खास करके ध्यान रखें, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देखने के बाद में पहले डिस्कस करें। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, तो उसके बाद में आप अप्लाई करें जब अप्लाई करना चाहते हैं तो। चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ सारी कैटेगरी। तो सबसे पहले हमारा जो ज़रूरत है वो ओमान के लिए है, ऑफिस बॉय की ज़रूरत है, ठीक है? ओमान के लिए ऑफिस बॉय की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहें तो उसकी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है? ओमान के लिए ऑफिस बॉय की ज़रूरत है। ऑफिस बॉय के साथ साथ में उसको ऑफिस के अंदर जो क्लीनिंग वगैरह काम भी रहेगा, और टी बनाने का, कॉफ़ी बनाने का, ये काम उसको रहेगा। अगर इसमें बंदा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है थोड़ा बहुत, खाली बिल्कुल फ्रेशर नहीं चलेगा इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर उसने पहले थोड़ा बहुत काम किया हो या उसको नॉलेज हो थोड़ी बहुत, 1-2 महीने भी काम किया हो, लेकिन उसको नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप फ्रेशर हैं, नॉलेज है आपको इस चीज़ के बारे में, तो आप इसमें जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी आती हैं तो ऑफिस बॉय की ज़रूरत है। इसमें कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, और जो बाकी अदर जो बेनिफिट मिलेंगे वो ओमानी लेवल लोग के हिसाब से मिलेंगे। आपका पासपोर्ट ECNR हो या ECRI हो, दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेबल हैं। और इसमें बंदे को इंग्लिश आना ज़रूरी है, नॉर्मल इंग्लिश आना ज़रूरी है, और बंदे का लुकिंग वगैरह थोड़ा से ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें जो ड्यूटी रहेगी आपकी 12 घंटे की रहेगी, और इंक्लूड ब्रेक उसी के अंदर इंक्लूड है, 12 घंटे के अंदर है। और इसमें जो आपकी सैलरी लगने वाली है वो लगने वाली है 120 BD, 120 BD आपकी सैलरी लगेगी, प्लस फ्री फूड मिलेगा आपको, टिप्स, बेनिफिट और ओवर टाइम वो अलग आपको लेवल लोग के हिसाब से सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स इसी के रिगार्डिंग, ऑफिस बॉय के रिगार्डिंग आपका CV अपडेट होना चाहिए, जितना आपको एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, और पासपोर्ट का दोनों साइड का स्कैन होना चाहिए, पासपोर्ट का दोनों साइड का, और एक CV आपका अपडेट होना ज़रूरी है इसी के रिगार्डिंग। और उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट्स भेजें तो वहाँ पर मैंशन कर दें किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो पहली कैटेगरी रही है, अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में, जो हमारे पास में है सऊदी अरब से है, और इसमें जो कैंडिडेट है फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, इसमें कैंडिडेट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो काम है हमारे पास में सऊदी अरब से काम है, और ये है वेटर का, कैंडिडेट फ्रेशर अप्लाई करेगा, इसमें वेटर का काम है। कंपनी आपको ECNR या ECR कोई भी पासपोर्ट, दोनों पासपोर्ट चलेंगे। कंपनी आपको जो प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, और अदर जो बेनिफिट है सऊदी के लेवल लोग के हिसाब से आपको वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें इसमें जो है सेल्फ सेलेक्शन है, सेल्फ सेलेक्शन है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। 9 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी, और 9 घंटे की ड्यूटी है, 9 के बाद में जितना आप काम करेंगे वो ओवर टाइम आएगा। और इसमें जो आपकी सैलरी लगने वाली है वो 1200 रियाल लगने वाली है, प्लस ओवर टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 1200 के अंदर इंक्लूड फूड रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में जो भी काम आप करेंगे तो वहाँ पर आपको ओवर टाइम के हिसाब से मिलेगा 9 घंटे के बाद में, ठीक है? तो ये सेल्फ सेलेक्शन है। अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पासपोर्ट कोई भी हो, और इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए वो 22 से 32 के बीच में होनी चाहिए। अगर ऑफिस क्लीन
अगर आप वेटर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो 22 से 32 के अंदर आपकी एज होना चाहिए। अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका गुड लुकिंग और नॉर्मल इंग्लिश आपको आनी ज़रूरी है। तो ये जो दो कैटेगरी हैं, अगर आप इसमें कोई सी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स उसी के हिसाब से हमें भेजिएगा और बताइएगा कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है वो है उमान से, तो मैं उसको भी बारे में भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद में हमें जो ज़रूरत है वो है चीफ कुक की, इस चीज़ का ध्यान रखें, चीफ कुक की हमें ज़रूरत है और इनकी जो सैलरी रहेगी 300 उमानी रियाल रहेगी, ठीक है ना। 300 उमानी रियाल रहेगी चीफ कुक की सैलरी है और प्लस फूड प्रोवाइड किया जाएगा। कम से कम इनको अपने फील्ड का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद में जो ज़रूरत है हमें कुक असिस्टेंट कुक की ज़रूरत है, बी फास्ट कुक की ज़रूरत है और इसमें जो सैलरी लगने वाली है आपकी वो लगने वाली है 120 उमानी रियाल प्लस फूड फ्री, ठीक है। और इनको भी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस इन्हीं के फील्ड का होना ज़रूरी है। उसके बाद में जो ज़रूरत है हमें वो सलाद मेकर की ज़रूरत है और इसमें जो इनकी सैलरी लगने वाली है वो लगने वाली है 130 उमानी रियाल प्लस फूड और इनको अपने फील्ड का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद में ज़रूरत है उमान के लिए वेटर की ज़रूरत है और इसमें भी हमें काफ़ी सारे बंदे चाहिए वेटर में और इसमें जो सैलरी लगने वाली है वो 120 उमानी रियाल लगने वाली है और इनको भी अपने फील्ड का एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का होना ज़रूरी है वेटर में। अगर आप इस वाले वेटर में अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और सबूती के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें फ्रेशर भी आप चल जाएंगे। उसके बाद में हमें ज़रूरत है जनरल हेल्पर की, और ये कटरिंग के लिए जनरल हेल्पर चाहिएगा और इसमें जो आपकी सैलरी लगने वाली है वो 85 उमानी रियाल लगने वाली है, 85 उमानी रियाल लगने वाली है प्लस फूड आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है, अगर इनमें से कोई सी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा और कंपनी का आपको इसमें प्रोवाइड क्या कर रही है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और बाकी अदर जो बेनिफिट है वो मानी लेवल लो के हिसाब से आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें पासपोर्ट आपका ECR हो या ECNR हो, कोई भी पासपोर्ट हो, दोनों पासपोर्ट आपके चलेंगे और बंदे की जो एज होनी चाहिए वो 21 से 35 के दरमियान होनी चाहिए और किसी भी फील्ड में अगर वो अप्लाई करना चाह रहा तो उसी के हिसाब से उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसी के हिसाब से उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की ये जो मैंने आपको वैकेंसी बताई है, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे उम्मीद है कि आपकी अगर कोई भी प्रोफाइल से मैच करती जॉब नहीं है तो इसमें जो मैंने आपको बताई जनरल हेल्पर की कैटरिंग कंपनी के लिए, तो उमान के लिए आप उसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा क्योंकि उसमें आप का जो सिलेक्शन है वो जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह और इसमें डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा आपका जनरल हेल्पर वाले काम में, ठीक है ना। तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो के दौरान किसी को भी भाई बंदों को काम मिल सके। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो मोबाइल नंबर है अपना वो हमारे कमेंट बॉक्स में ना लिखा करें। उससे आपको कहीं पे भी किसी का भी फ़ोन आता है और आपके साथ में कोई भी गलत बिहेव होता है तो उसकी ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, आप खुद होंगे क्योंकि आप वहाँ पे कमेंट करते हैं और अपना नंबर छोड़ देते हैं। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखें, नंबर ना छोड़ें। अगर हमें कॉन्टैक्ट करना तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर ले लें और वहाँ से हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सी भी कैटेगरी में इनमें जाना चाहते हैं तो सभी का 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हैगा और इसमें जाने के लिए आपको हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।